क्लास 8th मैथ की क्लास से आपने विजुलाइजिंग सॉलिड्स से चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पहले, उसके आगे कुछ टॉपिक और हैं जो आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अपने टॉपिक टॉपिक देखते हैं, इसके अंदर ट्रायंगुलर प्रिज्म। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल एंड फेसेस ईच वन ऑफ व्हिच इज ट्रायंगल। अब इसके अंदर देखने के एक ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग फेस और लास्ट फेस जो होता है वो कैसा फेस होता है, ट्रायंगल शेप में होता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये फेस दे रखा है स्टार्टिंग वाला, ये कौन सा शेप में ट्रायंगल है। इसी तरीके से जो लास्ट वाला फेस है वो भी कौन सा है, ट्रायंगल फेस दे रखा है। एंड थ्री लेटरल फेसेस ईच वन ऑफ व्हिच इज ए रेक्टेंगल। और इसके जो दूसरे लेटरल फेसेस है, मतलब जो बीच में फेसेस है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच जो फेसेस है, थ्री फेसेस दे रखे हैं, ये तीनों फेसेस कौन से शेप में है, आपके रेक्टेंगल शेप में होंगे। तो इसे शेप को अपन क्या बोलेंगे, अपन ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग फेस और लास्ट फेस जो है वो तो होगा आपके ट्रायंगुलर फेस, और जो लेटरल सरफेस है वो आपके रहेंगे रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो इसे शेप को अपन क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म के नाम से अपन इसको जानेंगे। इसी तरीके से अगला सेकंड पॉइंट है आपके लिए पिरामिड। अब पिरामिड किसको बोलेंगे, ए पॉलीहेड्रॉन वाज बेस इज ए पॉलीगोन। मतलब कि सबसे पहली बात आती है कि एक पॉइंट जो पिरामिड होता है वो एक पॉलीहेड्रॉन होगा, उसके अलावा उसका जो बेस होगा वो एक कोनिकल पॉलीगोन होगा। अब बेस पॉलीगोन का मींस क्या हो सकता है कि वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस शेप में हो सकता है, या फिर आपके पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, मोनागोन, डेकागोन, जो भी है कोई भी आपके पॉलीगोन के तौर पे होगा। उसके अलावा एंड ऑल लेटरल फेसेस आर ट्रायंगुलर। उसके अलावा जो दूसरे लेटरल फेसेस जो होंगे वो सारे सारे ट्रायंगुलर शेप के अंदर होंगे। एंड दीस लेटरल फेसेस मीट ए पॉइंट इज कॉल्ड ए पिरामिड। और इनके जो लेटरल फेसेस के जो एक पॉइंट होगा वो जाके सभी एक पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगे, तो इससे शेप को अपन क्या बोलेंगे, अपन एक पिरामिड बोलेंगे। अब वापस डेफिनेशन के हिसाब से डायग्राम के हिसाब से समझेंगे अपन। तो जैसे डेफिनेशन के अंदर कह रखा है पॉलीहेड्रॉन वाज बेस इज ए पॉलीगोन, तो अपन इसका अगर बेस देखें तो कौन सा शेप देखा है, इसके अंदर जैसे स्क्वायर देखा है या फिर अपन रोम्बस भी मान सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो कौन सा शेप देखा है आपको, ट्रायंगल शेप देखा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लेटरल फेसेस, तो लेटरल फेसेस के तौर पर अगर अपन देखें तो ये लेटरल फेसेस कौन सा देखा है आपको, ट्रायंगल शेप देखा है, दिख रहा होगा। और इसी तरीके से ये सारे जो शेप हैं इसके ट्रायंगल्स देखे हैं, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी आपको दिख रहा है, ट्रायंगल फेस दिख रहा है इसके अंदर। तो इसके लेटरल फेस है वो कौन से शेप में है, ट्रायंगल फेस के अंदर। उसके बाद मैं क्या कहा, एंड दीस लेटरल फेसेस मीट ए पॉइंट इज कॉल्ड ए पिरामिड। और उसके अलावा जो इसके जो लेटरल फेसेस है वो एक पॉइंट पर आके मिलते हैं, जैसे इस पॉइंट के ऊपर जैसे इसके ये वाला ट्रायंगल, पीछे वाला ट्रायंगल और लास्ट वाला ट्रायंगल जो है वो सारे सारे आके इसके ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिल रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इसके अंदर जो है, जैसे तीनों जो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको पीछे साइड में और आगे आगे और लेफ्ट से राइट के अंदर, ऐसे जो भी लेटरल फेसेस है ये भी आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। वापस समझेंगे अपन, ए पॉलीहेड्रॉन वाज बेस इज ए पॉलीगोन। सबसे पहला एक पॉलीहेड्रॉन ऐसा जिसका जो बेस है वो कोई ना कोई पॉलीगोन होगा, और उसके जो भी लेटरल फेसेस होंगे वो ट्रायंगल शेप में होंगे, और उनका जो एक पॉइंट होगा वो सभी आके एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, लेटरल फेसेस एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, तो ऐसे शेप को क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। रिलेशन होता है नंबर ऑफ फेसेस में, एजेस में और वर्टेक्स के अंदर, तो
वो रिलेशन शो करने के लिए ही यूलर्स के फॉर्मूले को यूज में लिया जाता है। यूलर्स फॉर्मूला वर्टेक्स वी फेसेस एफ एजेस ई प्लस 2। अब वर्टेक्स यूलर्स का फॉर्मूला क्या है वो चीज देखेंगे। वर्टेक्स को जब फेसेस में जब जोड़ दिया जाता है तब उसकी वैल्यू जो है वो एजेस के अंदर 2 जोड़ने के बाद में जो आती है उसके बराबर में होगी। मतलब कि वर्टेक्स प्लस फेसेस की जो वैल्यू है वो यूलर्स के जो भी एजेस की जो वैल्यू है उसके अंदर जब 2 जोड़ दिया जाता है, चाहे अगर जैसे एजेस अगर 14 है तो एजेस 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 के बराबर ही दोनों वैल्यू होगी। अगर एजेस अगर 4 है तो 4 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास 6 हो गया, तो 16 वर्टेक्स और फेसेस की वैल्यू टोटल होगी। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बताया जाता है, इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाली जाती है। उसके बारे में अपन आगे समझेंगे। देखें जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो सबसे पहले जैसे सेम लेते हैं अपन क्यूबॉइड। इसे अगर क्यूबॉइड ले लिया जाता है तो क्यूबॉइड के अंदर जिस तरीके का तो क्यूबॉइड होता है, अब इसके अंदर देखेंगे अपन नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्स और फेसेस, ये तीन चीजें होती है इसके अंदर। और कौन कौन सी कैसे होती है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले आती है एजेस। तो एजेस का मीन्स होता है अपने पास में कि जो भी ये लाइन के जो किनारे होते हैं वो टोटल कितने हैं वो आपको देखने हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने एजेस हो गए इसमें 12। इसी तरीके से अगर अपन वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स का मतलब है ये कॉर्नर जहाँ पे 3 एजेस आगे मिल रही है। जैसे एक तो ये एजेस मिल रही है, एक ये एजेस मिल रही है, एक ये एजेस मिल रही है। तो इस तरीके से जो जहाँ पे 3 एजेस जहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट आगे मिल रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो कितने वर्टेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने हो गए 8 वर्टेक्स हो गए। इसी तरीके से अगर फेसेस देखें तो फेसेस का मतलब क्या हो गया कि इसके टोटल जैसे ये फेस है अपने, जैसे एक फेस हो गया ये 1, इसके बाद में जैसे 2, इस तरीके से पीछे वाला जो ये है दिख रहा है आपको 3, ये नीचे वाला आपको दिख रहा है 4, पास वाला दिख रहा है आपको 5, इसी तरीके से इसके जो पीछे वाला होगा वो भी क्या होगा 6 होगा। तो टोटल फेसेस कितने हैं आपके 6। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप अपना ऐसे समझ सकते हैं जैसे डाइस वगैरह होता है, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसका जो पासा जो होता है उसके अंदर टोटल कितने साइड होते हैं, टोटल कितने साइड का नंबर लिखे होते हैं 6 साइड में रहते हैं। उसी तरीके से जो ये है अपने क्यूबॉइड, क्यूबॉइड अपन कह सकते हैं जैसे एक ब्रिक हो सकती है, ईंट हो सकती है, तो ईंट के अंदर भी अपने कितने साइड टोटल फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड होती है अपने पास में। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6 हो गए। अब अपन को इसके बीच में अपन को यूजर फॉर्मूला लगा के इसको शो करना है कि अपन ने जो भी ये एजेस वर्टेक्स और फेसेस जो निकाले हैं वो अपन ने सही निकाले या नहीं निकाले उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले लगाएंगे यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला जैसे अगर अपन देखें तो वर्टेक्स प्लस फेसेस इक्वल एजेस प्लस 2, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो वर्टेक्स कितनी दर की आपको 8 दर की है, प्लस फेसेस आपको दे रखा है 6, इक्वल एजेस दे रखी है आपको 12 प्लस 2, ये चीज दे रखी है। तो 8 और 6 कितना होता है, अपने हिसाब से होता है 14, और इक्वल 12 प्लस 2 भी कितना होता है 14। तो कुल मिला के दोनों वैल्यू जब बराबर आई है तो मतलब अपन ने जो भी अपने एजेस निकाली है, वर्टेक्स निकाले और फेसेस निकाले, मतलब 6, 8 और 12 ये अपने सही है। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ निकालना होता है। इसके अलावा अपन को जैसे कई भी बार होता है कि कुछ वैल्यूज जो ऐसी होती है जो गाइड कर दी जाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो पूछ रहा है अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये अपना दे रखा है ट्रायंगुलर बेस पिरामिड दे रखा है। अब ट्रायंगुलर बेस पिरामिड के अंदर अपन को टोटल 3 वैल्यूज जो होती है, 3 वैल्यूज में से कोई 2 वैल्यू अपन निकाल लेते हैं और तीसरी वैल्यू अपन बाद में निकालेंगे यूलर फॉर्मूले के। तो अपन देखते हैं कि अपन एक तो निकाल लेते हैं फेसेस और एक निकाल लेते हैं अपन वर्टेक्स, ये दो चीज निकाल लेते हैं। और एजेस कितनी होगी वो आपको बाद में निकालेंगे यूलर फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर अपन फेसेस देखें तो फेसेस कितने अपने पास में 1, 2, पीछे वाला 3 और नीचे वाला 4, तो फेसेस हो गए अपने पास में 4। इसी तरीके से अगर वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स अपने पास में 1, 2, 3 और 4, ये भी है अपने पास में वर्टेक्स में कितने हो गए 4 हो गए। तो अब आपको देखना है कि एजेस कितनी है वो आपको निकालनी है।
तो ऐसे निकाल दिया अपन, क्या करेंगे बॉक्स वही यूलर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, यूलर्स फॉर्मूला वर्टेक्स प्लस फेस इक्वल एजेस प्लस टू, ये फॉर्मूला होता है जो वीडियो अपने पास दे रखी है उसको एजेस से सेट कर दो। तो अपने पास में जैसे वर्टेक्स दे रखा है फोर प्लस फेसेस दे रखा है हमको फोर इक्वल एजेस की आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो एजेस बॉक्स ए लिख दो और वापस टू लिख दो, ये चीज़ आपको ध्यान दे रही है। वापस देखेंगे अपन वर्टेक्स अपने पास में कितना है फोर है, फेसेस अपने पास में कितना है फोर है, एजेस की वैल्यू नहीं है तो फेसेस रखो, तो वर्टेक्स फोर फेस फोर एजेस की वैल्यू कुछ नहीं है तो फेसेस रखिए और बाकी आपको टू लिखना है। फिर अपन देखेंगे फोर फोर कितना होता है एट होता है, उसके बाद में एजेस प्लस टू एजेस की वैल्यू निकालनी है तो एजेस से ले जाएगा अपने पास में और इधर एट का ही है जो प्लस का टू है वो इधर आएगा इसमें दस माइनस का टू में तो एट मिस्टर टू जाएगा पीछे कितना आएगा सिक्स इक्वल एजेस, तो एजेस कितना आ गई है अपना सिक्स, मतलब एजेस की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है अपने पास में सिक्स है। अपन अब काउंट करेंगे कि सिक्स है या नहीं है, देखेंगे अपन वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये टोटल सिक्स एजेस जो है वो अपने को इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रही है, इस पॉलीहेड्रल के अंदर देखने को मिल रही है, इस पिरामिड के अंदर देखने को मिल रही है अपन को। तो वर्टेक्स फोर है और फेस फोर है और एजेस भी अपने सिक्स है, इस तरीके से अपन ने इनकी सारी वैल्यूज निकाल ली है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जो अभी आपको बता दूंगा। इसका आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन विद रिवर्स फॉर्मूला, मतलब जो भी ये डायग्राम दे रखे हैं उसके अंदर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर दे रखा है क्यूब दे रखा है, तो क्यूब के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनकी नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको निकालनी है और फिर उसके बाद में आपको रिवर्स फॉर्मूला लगा आपको शो करना है कि ये दोनों को जो भी सारी वैल्यूज है वो सही है नहीं है इक्वल है या नहीं है वो आपको बताना है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में दे रखा है उसके अंदर आपको एक पेंटागन बेस पिरामिड है, नीचे पेंटागन बना हुआ है और उसके ऊपर आपको एक पिरामिड शेप दे रखा है, सारे जो फेसेस है बाकी ट्रायंगुलर है, नीचे वाला जो बेस है वो आपको पिरामिड शेप में सॉरी पेंटागन शेप में दे रखा है। अब आपको बताना यह है कि इसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ फेसेस एजेस और वर्टेक्स निकालनी है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है रिवर्स फॉर्मूला लगा के इसको शो करना है कि जो भी सारे वैल्यूज आपने निकाली है नंबर ऑफ फेसेस एजेस और वर्टेक्स को सही है या नहीं है, जैसे अपन ने इससे पहले वाले जो एग्जांपल का तौर पर हमने किया था उसके अंदर जैसे शो किया था सेम उसी तरीके से आपको इसके अंदर एक तो क्यूब के अंदर और एक उसी तरीके से उसके अंदर आपके पेंटागन बेस पिरामिड के अंदर आपको भी शो करना है किस तरीके से आप करते हो वो आपको करना है।